आप देख रहे हैं sabkehindi.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शनिवार देर रात को एक आदेश जारी कर 6 नए राज्यपालों की नियुक्ति की है और साथ ही 3 राज्यपालों के राज्यों में फेरबदल किया गया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के पद से बनवारी लाल पुरोहित का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। विज्ञप्ति के अनुसार सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उन्हें मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इसके अलावा झारखंड के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राधा कृष्णन के स्थान पर संतोष कुमार गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। ओम माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है तो वहीं हरिबाबू किशनराव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल होंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि रमेन डेका को छत्तीसगढ़ और सीएच विजय शंकर को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा के कैलाश नाथन पुडुचेरी के उपराज्यपाल होंगे। बयान में कहा गया है कि उपरोक्त नियुक्तियां उस तिथि से प्रभावित होंगी जिस दिन वे अपने अपने कार्यालयों का कार्यभार संभालेंगे। कल शनिवार को हुई नीति आयोग की बैठक के बाद आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि शासी परिषद की बैठक में बिहार और केरल सहित 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं हुए। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल और अन्य प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सुब्रमण्यम ने कहा कि बैठक में शामिल नहीं होने वालों में बिहार, केरल के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पुडुचेरी हैं। उन्होंने कहा कि यह बैठक इस बात के लिए थी कि राज्यों के विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और उसमें कैसे योगदान दिया जा सकता है। बैठक में गांवों में गरीबी को शून्य स्तर पर लाने यानी इसे पूरी तरह समाप्त करने के विचार पर गहन चर्चा हुई और अगर उन्होंने भाग नहीं लिया तो यह उनका नुकसान है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर बजट में कोई कमी रह गई तो आपके पास बैठक में कहने का मौका था। मुख्यमंत्री दिल्ली तो पहुँच गए लेकिन दिल्ली में उनके नेताओं ने राजनीति करके उन्हें रोक दिया। इससे प्रदेश का बहुत नुकसान होता है। हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक है कि केंद्र से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें। मैं भी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहा हूं, तब विकास कार्य हो रहे थे लेकिन जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने हैं हिमाचल के विकास कार्यों पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। हर बात पर राजनीति करना उचित नहीं है। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू दिल्ली तो पहुंचे लेकिन वे नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाए गए शवों में 2 महिला छात्रों और 1 पुरुष छात्र का शव है। ये हादसा कल शनिवार को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके के एक यूपीएससी कोचिंग सेंटर में हुआ। सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि मरने वाले सभी लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और इस संबंध में कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि बेसमेंट से पंप के जरिए लगातार पानी निकाला जा रहा है और अब ये काम जल्द ही पूरा होने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बेसमेंट में फंसे 13-14 स्टूडेंट्स को निकाल लिया गया है और इनमें से 3 को अस्पताल भेजा गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार भाजपा के निशाने पर है। इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वहां जो हुआ है वह कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है। बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चल रही थी, पहले जो जांच बिठाई गई थी उसका क्या हुआ, ये छात्र देश का भविष्य है। काफ़ी घंटे हो गए हैं इस घटना को लेकिन दिल्ली के मंत्रियों में घटनास्थल पर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि इस पूरी घटना में दिल्ली सरकार शामिल है। लोग लगातार नाले की सफाई कराने को कह रहे थे, आप क्या कर रहे थे? आम आदमी पार्टी सरकार ने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि छात्रों की क्या गलती है जो पूरे देश भर से पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए।
जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। इस बीच जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में हुई आतंकवादी मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने और चार जवानों के घायल होने की खबर सामने आई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक जवान के शहीद और चार जवानों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र में नई सरकार आने के बाद पिछले 49 दिनों में 14 आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें 15 जवानों की शहादत हुई है। यह देश के लिए बहुत चिंता की बात है। प्रियंका ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त और निर्णायक कदम उठाने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो अग्निवीर योजना खत्म कर दी जाएगी। अखिलेश यादव ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के एक इंटरव्यू को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि सत्ता में आते ही 24 घंटों में रद्द होगी देश की सुरक्षा से समझौता करने वाली और सैनिकों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली अल्पकालिक अग्निवीर सैन्य भर्ती। बता दें कि अवधेश प्रसाद को अपने इस इंटरव्यू में कहते सुना जा सकता है कि अगर हमारी सरकार आती है तो 24 घंटों के अंदर अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। दरअसल उनसे अग्निवीर योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर टिप्पणी मांगी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अग्निपथ योजना को लेकर कहा था कि हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक फैसले लिए हैं। सेना के किए गए जरूरी सुधार का एक उदाहरण अग्निपथ योजना भी है। इसका लक्ष्य सेना को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है, लेकिन दुर्भाग्य से राष्ट्रीय रक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के सुधार पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने यूक्रेन की राजधानी कीव जा सकते हैं। कई राजनयिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पर रूस के युद्ध को समाप्त करने के लिए एक रास्ता तैयार करने के लिए नए सिरे से वैश्विक प्रयासों की पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बातचीत करने के लिए अगले महीने यूक्रेन जा सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित यात्रा की योजना 24 अगस्त को यूक्रेनी राष्ट्रीय दिवस के आसपास बनाई जा रही है और प्रधानमंत्री दो देशों की यात्रा के हिस्से के रूप में पोलैंड भी जा सकते हैं। आपको बता दें कि यदि यह यात्रा होती है तो यह मोदी की यूक्रेन की पहली यात्रा होगी और लगभग 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की पहली यात्रा होगी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। कल शनिवार को हुए ग्रुप बी के एक मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 के अंतर से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह 24वें मिनट, विवेक सागर प्रसाद 34वें मिनट और कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 59वें मिनट पर गोल किया, जबकि न्यूजीलैंड की ओर से सैमलिन 8वें मिनट और सिमोन चाइल्ड ने 53वें मिनट पर गोल किया। दक्षिण कोरिया के आपत्ति वापस लेने के बाद जापान की एक खदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। बता दें कि इससे पहले इस खदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने को लेकर दक्षिण कोरिया को आपत्ति थी। उसका कहना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कोरिया के 2000 लोगों को इस खदान में जबरन मजदूरी के लिए रखा गया था, लेकिन जापान के इस बात पर सहमत होने कि वह खदान के संचालन के पूरे इतिहास को पारदर्शिता से बताएगा, इसके बाद दक्षिण कोरिया ने अपनी आपत्ति वापस ले ली। आपको बता दें कि सार्डो सोने की खदान इसी नाम से विदित एक छोटे से द्वीप पर है। 16वीं सदी की शुरुआत में इस खदान में खनन का काम किया जाता था। ये द्वीप ज्वालामुखी के लावे से बनी दो पहाड़ियों की रेंज से बना है, जिसके बीच कुनिनाका नाम की समतल भूमि है। यहाँ सोने और चांदी के बड़े भंडार पाए गए थे। उस वक्त यह खदान दुनिया में सोने के सबसे बड़े स्रोतों में से एक थी, लेकिन मौजूदा वक्त में यह आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।